इधर आओ बेटा, तुम्हारा मैं बाल बना दूँ। अनिका आ गई है स्कूल से, और जैसे हमारे बेबी के बाल बनते हैं वैसे और एक बेबी के भी बाल बनाने हैं मुझे। जी हाँ, छोटा बेबी जो हमारा है, चलिए बनाते हैं। तो मैं आपको तैयार इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो शूट किया है एज यूजुअल। ये रो नहीं रही है, मस्ती कर रही है अम्मा। चलो आपके बाल बना दूँ। यही है हमारी बेबी, छोटी बेबी। छोटा बेबी रेडी हो चुका है। तैयार अम्मा, तैयार। तो बेबी तो तैयार हो गया है, पर यहाँ पर अच्छा खासा मेस हो गया है क्योंकि मैंने एक शूट कंप्लीट की तो उसका ये सामान ऐसा ही पड़ा रह गया। तो समेटते हैं मिलकर, थोड़ा अच्छा लगता है ना मिलकर समेटने में। अम्मा, अमरुद उधर रखती हूँ। आप सो फैला हुआ घर फर्स्ट क्लियर किया, क्लीन किया, और अभी एकदम नीट एंड क्लीन अच्छा लग रहा है ना। मैं से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अनिका ने गुड गर्ल की तरह दूध फिनिश नहीं किया है। फिनिश करो बेटा। और अम्मा को नहीं, जब तुम फिनिश कर लोगी तब गुड गर्ल होगी ना। लो चलो पटाख से। और मेरा फ़ोन एज यूजुअल बज रहा है, अम्मा को अमृत दे दिए। तो वही एवरीडे स्टोरी, शाम के 6 बजते ही मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ। एवरी डे, या आप बोल सकते हैं कि हर
या ऑलमोस्ट एवरी मॉम की ये कहानी है कि खाने में क्या बनाओ. लाइक रेगुलर खाना ना किसे पसंद नहीं आता. लाइक मुझे भी पर्सनली रेगुलर खाना पसंद नहीं आता, पर मज़ा तब आता है ना कुछ बनाने में. पर क्या बनाए. लाइक कोई ना एक ऐसी वेबसाइट हो जो हमें रोज बता दे कि आज आपको ये बनाना है और आपके घर में बैंगन टमाटर आलू प्याज है ना उससे बन जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा. लाइक मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, पर कुछ एक्सपेरिमेंटल कुछ न्यू वो ही रेगुलर कुकिंग ना मुझे बहुत ही बोर लगता है. और मेरा फ़ोन सो जब तक शाम के 7 नहीं बज जाते ना मेरा फ़ोन बिल्कुल चुप नहीं होता है. मोबाइल पर फ़ोन आना और क्या बोलते हैं SMS मैसेजेस आना, मतलब एक वर्किंग मोम की यह हालत होती है कि अगर मैं घर से काम करती हूँ ना तो ऐसा नहीं कि यार घर से काम कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं. कई बार TV चालू रहती है, कई बार कुछ चलता रहता है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी रहती है तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती रहती है. तो चलिए सोचते हैं, अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हैं, जैसे रोज़ डालते हैं ना वैसे आज भी डालेंगे और आज भी सोचेंगे कि आज खाने में क्या बनाऊँ. शाम के 7:15 बज रहे हैं पर दिन बड़ा हो चुका है ना, तो देखिए सूरज की किरणें मेरी फेस पर और इस समय वही नज़ारा हुआ है जो मैं पसंद करती हूँ. और आपको नहीं दिखाऊँगी तो कैसे होगा. दिखा रही हूँ. वही नज़ारा है ना जो मैं पसंद करती हूँ. एंड आई एम श्योर मेरे ब्लॉग्स में देख देख कर आपको भी थोड़ा बहुत अभी ये देखना पसंद आ गया होगा, है ना. तो अभी मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि रात के खाने में मैं क्या बनाऊँगी. उसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी भी कर ली है, जैसे कि सूखे मसाले निकाल लिए हैं, प्याज काट कर लिया है बारीक बारीक, स्टीमर भी निकाल लिया. और इस समय जो किचन की हालत है ना उसे देख कर प्लीज़ घबराना मत, जब आप ऐसी कुकिंग करते तो हो जाता है. फ़ैन निकाल लिया है, चाय ऑलरेडी बन रही है एक तरफ, मल्टीटास्किंग हो रहा है. ठीक है, सुबह की सब्जी के लिए भी ये देखिए कोकम भिगो दिया है क्योंकि डिमांड आई है मिसनिका की तरफ से कि उसे सुरन की सब्जी यानी यम की सब्जी लेकर जाना है स्कूल. तो उसके लिए भी अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि सुबह इतना नहीं हो पाएगा. और ये देखिए करेले को छील कर उसके अंदर का स्टफ़ निकाल कर यहाँ पर रख दिया है. तो अभी हम क्या करेंगे कि इस करेले को स्टीम करेंगे हल्का सा, लाइक 5 मिनट इनफ है. स्टीम करने से क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो कहीं से अगर कच्चा भी रह गया तो हमें टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि ये स्टीम है. तो चलिए स्टीमर चढ़ाते हैं गैस पर. अभी ये जो ड्राई मसाले मैंने निकाले हैं ना, जैसे इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, धनिया, सौंफ, जीरा, इसे हम यहाँ पर पैन में डालकर भून लेंगे. तो करेला बनाते बनाते मैं शाम के नाश्ते की तैयारी भी कर रही हूँ. तो हल्का फुल्का मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड ले लिया है, उस पर ये 1000 आइलैंड लगा रही हूँ जो कि मार्केट में मिलता ही है, आपको पता ही होगा. और उसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा प्याज. तो एक तरह का मैं ब्रेड वाला वो बना रही हूँ, क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा. तो मैं सिर्फ इसके अंदर प्याज डाल दूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सारी सब्जियाँ काटूँ और इसके ऊपर डालूँ. सो प्याज मैंने काट लिया है ज़्यादा क्योंकि वो अभी करेले में भी पड़ना है, उसी को मैं इधर भी लगा रही हूँ. और हाँ, इस पर मैंने वो नहीं लगाया है 1000 आइलैंड क्योंकि 1000 आइलैंड में होता है शुगर और अम्मा को मैं शुगर नहीं दे सकती हूँ, इसलिए इसके ऊपर नहीं जाएगा ये सारे, यहाँ पर जाएगा सीजनिंग.
चाय वाला नाश्ता तो 10 से 12 मिनट में ही बन गया है, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ अगर आप सोच रहे हो, तो मैं अभी जो भून लिया है मैंने ये सूखा वाला मसाला, इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन वगैरह डालकर इसे पीस लूँगी, दिखाती हूँ आपको। तो राज आ चुके हैं घर पर और उन्हीं की चाय लेकर जा रही हूँ। तो अभी हम स्नैक्स खाएंगे जिसका टाइम एकदम सही नहीं है। भरुआ करेला, प्याज वाला, प्याज वाली कलौजी ही, प्याज वाली मतलब, पता नहीं, पर मैं प्याज करेला कलौजी ही, हाँ मतलब कलौजी, उसमें धनिया भी पड़ेगा, सौंफ भी पड़ेगा, वो बना रही हूँ करेला। अम्मा पूछा अम्मा को, करेला तो खाती है अम्मा, खाओगी ना, कहाँ बनूंगा कलौजी करेला का। तो कृष्णा देख लिया है कलौजी करेले का, अभी नहीं मैं कुछ नहीं बनाने वाली, आप अपन लिख के पर मार को तो दे दो, पापा लिख देंगे। अरे पहले परमानेंट टाइम टेबल आने दो, उसके बाद लिखेंगे। तो चलिए फिर, पीछे ब्रेक हो गया है, मैंने कृष्णा देख लिया 25 मिनट्स, अभी बैक टू किचन। करेले में बहुत अच्छी कोटिंग आई है, आप देख सकते हैं, मैं पूरी तरह से इसे पका रही हूँ हर जगह से, जिससे कोट जो है ब्राउन वाला, भुनने वाला, वो बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। उसकी खुशबू ऑलरेडी मेरे घर में पूरी तरह से फैल चुकी है। और अनिका नाम्मा के साथ बेबी मत करो बेटा, इतना मस्ती कर रही है ना, उसको कहना कोई मिल नहीं रहा है।
खेलने के लिए अम्मा मिल रही है, तो अम्मा के पीछे पूरी तरह से लगी हुई है। वैसे अम्मा का भी पूरा एंटरटेनमेंट बना रहता है अनिका की वजह से, पर एक टाइम के बाद थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है आगे वाले का। बेबी मत करो बाबू, बस हो गया ना, कितना खेल रहा है, बस कितना खेलोगी। अभी मैं बनाऊंगी रोटी, देखती तीन चार रोटी। जिसने खाया करेला बताइए कैसा बना है। अभी तक खाया नहीं है। अच्छा मैं खा लेती हूँ, नहीं बता सकती। फास्ट करेला कड़वा ही होता है। अच्छा लगा अम्मा? करेला कड़वा ही होता बिटी। कैसा लग रहा है अम्मा? अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ठीक ही है, अम्मा को ठीक ही लगता है। खा लो बाबू, थोड़ा सा तो खा सकते हो। मैं मसाला मसाला खा लूँ उसका। ज्यादा कड़वा हो। आपने नहीं खाया? हाँ खा लो। बिल्कुल कड़वा नहीं है। कलो जी बल्कि कड़वी लगती है, हल्की सी है तो बिल्कुल कड़वी नहीं लग रही है। के बाद आम खाना मुझे बहुत पसंद है, और उसके बाद थोड़ा सा डांस करना भी, वो भी अनिका के साथ। तो बड़ी मजा आती है अनिका के साथ डांस करने में, और मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को फिट बिठाने की। और देखिए मैंने आपको किधर डाल दिया है, बहुत अंधेरा है इस कमरे में, एक सेकंड दीजिए मुझे। तो अभी आप मुझे देख सकते हो क्लियरली, है ना। सो बस मैं अपने कपड़े लगाने आई हूँ। एक्चुअली मेरे कपड़े प्रेस होकर आ गए हैं, और वो बहुत दिनों तक ऐसे ही रह जाते हैं अगर मैं उन्हें लगाऊँ ना। तो मैं उन्हें लगाने के लिए यहाँ पर आई, तो मैंने सोचा कि आपको भी लेकर आऊँ। अकेले अकेले कितना काम करूँगी, थोड़ा सा कंपनी मिल जाती है ना आप लोगों की, तो काफ़ी हो जाता है मेरे लिए। और मुझे ये कुछ ड्रेसेस तो मैं अंदर रखूंगी, और ये मेरे ड्रेस पे क्या लग गया है, इतना अच्छा ड्रेस पे नहीं क्या लग गया है, देखना पड़ेगा। ये लंबा ड्रेस है काफ़ी, पर इसको टांगना ही पड़ता है मुझे, कुछ करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है, पहले पंखा थोड़ा सा एसी लगा लूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे मेल्ट हो जाऊँगी लाइक कैंडल। तो राज को थोड़ा सा काम है, तो बस अपना काम ख़त्म कर रहे हैं। अनिका को बोला सो जाओ बेटा सो जाओ, पर अनिका पता नहीं सोने के कुछ मूड में दिख नहीं रही है। हो सो बस मुझे अभी अपना फेस वॉश करना है, ब्रश भी करना है, छोटे छोटे काम रह ही जाते हैं। और आम खाने की बदौलत ये देखिए, आपने लास्ट एक हफ्ता से मेरे फेस पर एक हाथ दो पिंपल्स देखे होंगे, पहले यहाँ पर भी आए थे फिर यहाँ पर। तो मुझे मतलब आम खाने के बाद थोड़ा सा हो जाता है ऐसा।
तो ये गर्मियों में चलता है, पूरा चलता है। अगर मैंने समझ लीजिए मोर देन 4-5 मैंगोज खा लिए ना, तो फिर यहाँ पर ऐसे से आ जाता है। तो अपने मतलब लास्ट कुछ महीनों में तो मेरी स्किन क्लियर देखी होगी, पर अभी देखिएगा पिंपल्स, क्योंकि मुझे आम पसंद है और आम को मैं ज़्यादा नहीं भाती हूँ, तो पिंपल्स वो कर देते हैं। यस बट आई यू स्लीप 11 यस। आज हम लोग एक घंटा लेट हो गए, कल एक घंटा पहले हो गया था सब कुछ, आज एक घंटा बाद हुआ है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आज का जो करेली की सब्जी मैंने बनाई है ना, हाँ तुमको तो कड़वा ही लगेगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। सिंपल सी है, और करेला जो होता है आपको पता ही है कड़वा होता है, पर इस तरीके से बनाओगे ना आप, तो प्याज की मिठास और करेले की कड़वापन दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ आता है। सो कहाँ मॉर्निंग बेटा, सो जा। और गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, मैं देख रही हूँ कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बस कल है नो बैग डे, राइट? कल अनिका को बुक्स नहीं लेकर जानी है, तो अभी मैंने कोई पैकिंग वगैरह नहीं की। और कल जंक फूड है, जी हाँ, वेनेसडे को अनिका का जंक फूड प्लस नो बैग होता है। मतलब नो बैग में सिर्फ टिफिन लेकर जाना होता है, बाकी वहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह ही चलते हैं, और एक दिन बच्चों को बुक्स नोटबुक से छुट्टी दी जाती है। अच्छा है ना, काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। लास्ट 2 साल से इनके स्कूल में नो बैग डे चल रहा है। तो चलिए, राज भी उठ चुके हैं अपने जगह से, इसका सिग्नल ये होता है कि सोने का वक्त हो गया है। सो जाओ। कभी गुड नाइट बोल दिया करो मेरे सब्सक्राइबर्स को, कभी आप मॉर्निंग में देखते हैं उनको गुड नाइट मॉर्निंग में बोल दूं। हाँ, अरे इतना लॉजिकल मत बना करो, सीधा गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, सीधा गुड नाइट। हाँ सीधा गुड नाइट, वैसे भी दोपहर में देख रहे होंगे तो गुड आफ्टरनून, बाय बाय, गुड डे। Have a great day guys. Bye. अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग गाइस, अगर आप इवनिंग में देख रहे हैं गुड इवनिंग गाइस, अगर आप नाइट में देख रहे हैं गुड नाइट गाइस, स्लीप, कम ऑन स्लीप। ओके, कैमरा बंद कर दो, बाय।